यार भाले तुसी बड़ी कमाल दी शॉट दी कसम इसमें जी आ गया जी फाइनल मरहला लगरौनियों की सरजमीन पे होने वाला टूर्नामेंट जो कि गुज्जर क्रिकेट क्लब लगरौनियों के जेर इंतजाम मुनक्कद किया गया था म्यूनिसिपल कमेटी ऑफ लगरौनियों के भरपूर तावन के साथ 14 टीम्स ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। बहुत अच्छी क्रिकेट का मुजाहरा किया गया इस टूर्नामेंट में और अब कुल मिलाकर फाइनल मरहला पहुंचा है। फाइनल मैच होने जा रहा है जी इस तारीखी टूर्नामेंट के तारीखी फाइनल मैच की घड़ी आन पहुंची है। स्पेन की हिस्ट्री का पहला फ्लड लाइट टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट लगरौनियों की सरजमीन पर मुनक्कद किया गया जिसका फाइनल मैच जनाब आज होने जा रहा है। स्पेतिया क्रिकेट टीम है उनका मध्यम काबिल है गुज्जर क्रिकेट क्लब है लगरौनियों की टीम। 5 ओवर पर मुश्तमिल यह फाइनल मैच हर इनिंग 5 ओवर पर मुश्तमिल होगी। पहले बैटिंग करने के लिए टीम स्पेतिया की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाज अब टीम कैप्टन अब्दुल कदीर और उनका साथ देने के लिए शहबाज अहमद विकेट पर मौजूद है। जी वेलकम जनाब मोहम्मद वसीम उस्मान मानी चौधरी अली उस्मान भाई साहब वेलकम आपको। अंपायरिंग का प्राइस अंजाम देते हुए हमजा उनका साथ दे रहे हैं लेग अंपायर जनाब मोहम्मद अदनान मोहम्मद शहबाज फेस करने जा रहे हैं स्ट्राइक पे बॉलिंग को एहसान लगरौनियों की जानिब से पहला ओवर करने अच्छी बात थी एक्स्ट्रा पेस जनरेट करने की कोशिश की गई एहसान की जानिब से जिसकी वजह से लाइन पे काबू नहीं रख पाए और अंपायर की जानिब से व्हाइट बॉल का इशारा एहसान को पहली बॉल अब दोबारा करनी होगी और इस तरह एक रन जाता हुआ स्पेतिया के टोटल में। ये वीडियो को शेयर करते जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस तारीखी टूर्नामेंट के तारीखी मैच से मुस्तफिद हो सके। जी चौधरी अली उस्मान साहब वेलकम जनाब। अच्छी शॉट यहाँ पे मोहम्मद शहबाज अहमद की जानिब से मिड स्टंप पे पड़ी हुई बॉल को खेल दिया मिड विकेट के फील्डर के ऊपर से 6 रन के लिए जबरदस्त आगाज यहाँ पे स्पेतिया की जानिब से मोहम्मद शहबाज का पहली गेंद पे 6 रन और इस तरह स्पेतिया के टोटल में पहली बाउंड्री 6 रन की सूरत में आती हुई मोहम्मद शहबाज जिन्होंने सेमीफाइनल में एक बार विकेट के खिलाफ आउटस्टैंडिंग बैटिंग का मुजाहरा किया और एक और यहाँ पे आउट हो सकते हैं लेकिन काफी तेज शॉट थी मुश्किल जरूर था यहाँ पे फील्डर की जानिब से कोशिश जरूर की गई है लेकिन शॉट बहुत तेज थी गैप में थी वो इस तरह शहबाज अहमद को मुसलसल 2 गेंदों पर 2 छक्के यहाँ पे मिलते हुए फाइनल लेग पे सॉरी अंपायर की जानिब से 4 रन का इशारा तो इस तरह कुल मिलाकर पहली 2 गेंदों पर 2 इंपैक्ट सॉरी ये कंफर्म कर ले 4 था या 6 दूर है बाउंड्री पीछे जो बहुत और एक बाउंड्री पीछे पड़ना ने बाउंड्री बॉल पीछे दे तेज हो गया कैच आ तेरा 4 रन जी एहसान अपने ओवर की तीसरी गेंद करेंगे शहबाज अहमद को एक और वाइड बॉल एहसान जिन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया ओवरऑल टूर्नामेंट में लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इंजरी इफेक्ट होने की वजह से स्ट्रगल का मुजाहरा उन्हें करना पड़ रहा है तो देखना होगा कि वो किस तरह की बॉलिंग करते हैं इस फाइनल मैच के इंपॉर्टेंट पहले ओवर में स्पेतिया के खिलाफ।
एहसान अपने ओवर की तीसरी गेंद करेंगे शहबाज को। एक और शॉट ऑन लेंथ बॉल है, मिडिल स्टंप पे बॉल करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि पड़ के थोड़ा सा बाहर की जानिब जा रही है और अंपायर हमजा की जानिब से एक और वाइड बॉल का इशारा मोहम्मद शहबाज और अब्दुल कदीर की जानिब से। जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया गया था सेमीफाइनल्स में। दो गेंदें हुई हैं जी इस ओवर की, तीसरी और तीसरी गेंद करने जा रहे हैं एक मरतबा फिर एहसान। फुल टॉस बॉल मिली है जिसका भरपूर फायदा नहीं उठा पाए, खेल दिया फाइन लेग पे शहबाज अहमद ने, वहां पे मौजूद फील्डर थे अली, उन्होंने बॉल को फील्ड किया। जब तक थ्रो करते दोनों बल्लेबाजों ने एक रन मुकम्मल कर लिया अपनी टीम के लिए। जी वेलकम जनाब नौमी सोहेल साहब। तो इस तरह स्ट्राइक अब चेंज हुआ है, स्ट्राइक मिलेगा टीम कैप्टन अब्दुल कदीर को। अब्दुल कदीर अब सामना करेंगे मोहम्मद एहसान की चौथी गेंद का। जबरदस्त खेल का मुजाहरा यहाँ पे दोनों टीम्स की जानिब से किया गया ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में। बॉल अच्छी थी लेकिन लेंथ पे काबू नहीं रख पाए और यहाँ पे मिस फील्ड हुए फाइन लेग एरिया में। एक ऐच की सूरत में फाइन लेग एरिया में बॉल गई, वहां पे दोनों फील्डर के दरमियान में से गेंद बाउंड्री लाइन के पार चार रन के लिए चली गई। तो इस तरह अब्दुल कदीर और टीम अस्पेतिया को यहाँ पे चार रन मिलते हुए। एहसान जो कि काफी स्ट्रगल कर रहे हैं इंजरी मसाइल की वजह से अपनी लाइन पे काबू नहीं रख पा रहे, लेग स्टंप पे काफी उनके पार जा रही है जिसकी वजह से एक्स्ट्रा भी कंसीड हुए और ये एक फ्लिक एज की सूरत में चार रन भी उनके खिलाफ आता हुआ। जी मोहम्मद जासिम भाई साहब वेलकम जनाब मुअज्जम अली साहब। एक और एक्स्ट्रा आता हुआ यहाँ पे अस्पेतिया के टोटल में। एहसान जो के मिडिल स्टंप पे बॉल करना चाह रहे हैं, बॉल पड़ के उनके बाहर की जानिब जा रही है, यहाँ अंपायर का उनके खिलाफ वाइड बॉल का सिग्नल। अच्छे अंदाज से खेलते हुए हल्के हाथों से खेल दिया शॉर्ट मिड विकेट है के एरिया में अब्दुल कदीर ने मिडिल स्टंप पे पड़ी हुई बॉल को और एक रन हासिल किया अपनी टीम के लिए और अब स्ट्राइक मिला मोहम्मद शहबाज को। मोहम्मद शहबाज सामना करेंगे एहसान की आखिरी गेंद का। जहीर अब्बास जट भाई साहब जनाब वेलकम आपको करते हैं। शॉर्ट पिच बॉल थी आउट आउट ऑफ द ऑफ स्टंप बॉल थी लेकिन शहबाज अहमद ने अच्छे तरीके से रीड किया, लास्ट टाइम तक बॉल का वेट किया और इसे इम्प्रोवाइज करते हुए लेग साइड पे शानदार तरीके से खेल दिया। जबरदस्त यहाँ पे बैटिंग का मुजाहरा शहबाज अहमद और अब्दुल कदीर की जानिब से धुआंधार इनिंग का आगाज फाइनल मैच में भी। पहले ओवर के अख्ताम पर 26 रन से टीम अस्पेतिया। शहबाज ने सेमीफाइनल में एक बार ईगल्स के खिलाफ भी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया और धुआंधार इनिंग खेलते हुए सिर्फ 13 गेंदों पर इस टूर्नामेंट की 3350 स्कोर की 13 गेंदों पर 60 रन बनाकर अपनी एक यादगार इनिंग सजाई अपने अपने कैरियर में। तो यहां अब फाइनल में उसी कारकर्दगी को दोहराते हुए जी वीडियो को भाई तमाम भाई शेयर करते जाए ताकि इस हिस्टोरिकल टूर्नामेंट का हिस्टोरिकल फाइनल मैच से ज्यादा लोग मुस्तफिद हो सके। पहला ओवर काफी महंगा जरूर साबित हुआ है गुजर क्रिकेट क्लब लुधियाना के लिए, तो काफी सलाहियत उनमें मौजूद जरूर है कम बैक करने की, इसीलिए सुहेब उल्लाह को उन्होंने दूसरे ओवर के लिए सिलेक्ट किया गया टीम कैप्टन शेरी की जानिब से। सुहेब गेंद करेंगे अब्दुल कदीर को, अच्छी बॉल थी मिडिल स्टंप पे पड़ी लेकिन लेंथ को रीड करते हुए अब्दुल कदीर ने इम्प्रोवाइज कर दिया मिड विकेट के फील्डर के ऊपर से 6 रन के लिए बॉल को बाउंड्री लाइन से पार फेंका। जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा अभी तक दोनों बल्लेबाजों की जानिब से। जी चौधरी इरफान साहब जनाब वेलकम। सोहेब अल्लाह दूसरी गेंद करेंगे अब्दुल कदीर के खिलाफ।
शॉर्ट पिच बॉल है आउट का जो है गेंद काफी देर में आउट होने का चांस जरूर है और एक और ऐसा चांस था जो मिस कर दिया गया है मलक अली की जानिब से। गेंद काफी देर हवा में रही विकेट कीपर और फाइन लेग के फील्डर के दरमियान थी तो दोनों फील्डर आई थिंक अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाए और लास्ट टाइम पे अली भाई ने गेंद के नीचे पहुंचने की कोशिश की और उनके हाथों से लगकर गेंद जमीन पे कैप पे गिरी जिसका भरपूर फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी करके दो रन मुकम्मल किए और अस्पेतिया के टोटल में दो रन का मजीद इजाफा। अच्छा काम बैक था सोहेबुल्ला की जानिब से अनलकी रहे यहाँ पे सोहेब अपने ओवर की तीसरी गेंद करेंगे। एक मरतबा फिर अच्छी बॉल यहाँ पे मिडल स्टंप पे बॉल थी लेंथ बहुत अच्छी थी गुड लेंथ का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे बॉल बहुत अच्छा मिला सोहेबुल्ला को तो टॉप एज होके एक रन से यहाँ पे हासिल किया अब्दुल कदीर ने। स्ट्राइक का मिलेगा शहबाज अहमद को सोहेबुल्ला बहुत अच्छे बॉलर है अभी तक इस सीजन में बड़े टूर्नामेंट्स में काफी अच्छी बॉलिंग कर चुके हैं पिछले प्रीवियस रिसेंटली टूर्नामेंट में जिसकी ये चैंपियन टीम थी इसको इतिहास के सेमीफाइनल्स में इसी टीम के खिलाफ सोहेबुल्ला ने पहले ओवर में अपनी हैट्रिक भी की थी पहले तीन गेंदों पर तीन मैंने मेन बल्लेबाजों को बॉल किया था। बहुत अच्छी बॉलिंग का मजा रहा यहाँ पे सोहेबुल्ला की जानिब से पहली गेंद पे 6 के खिलाफ जरूर कंसीड हुआ है लेकिन उसके बाद अच्छा काम बैक करते हुए सोहेबुल्ला। ओवरऑल दोनों टीम्स की जानिब से फाइनल मैच में जबरदस्त कारकर्दगी का सिलसिला जारी। जी राशिद किंग भाई साहब वेलकम ये स्पेन के शहर लोग्रोनियो में टूर्नामेंट हो रहा है जी फाइनल मैच हो रहा है बॉल मिली है पर कोई फायदा नहीं उठा पाए चार जरूर खेल दिया लेकिन फाइन लाइन पे मौजूद बाउंड्री लाइन पे फील्डर ने बॉल को फील्ड किया तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दो रन स्कोर कर लिए थे अपनी टीम के लिए इस तरह स्पेतिया के टोटल में दो रन का मजीद इजाफा। सोहेबुल्ला दूसरे ओवर की आखिरी गेंद करेंगे उनका सामना करेंगे शहबाज अहमद अच्छा काम बैक यहाँ पे सोहेबुल्ला की जानिब से अच्छा ओवर एक मरतबा फिर चांस जरूर था लेकिन लकी रहे यहाँ पे शहबाज अहमद बॉल ने कैरी नहीं किया फाइनल लेग पे मौजूद फील्डर के थोड़ा सा आगे गिरी और गेंद पहुंच लेने के बाद बाउंड्री लाइन के पार चली गई चार रन के लिए तो इस तरह कुल मिलाकर दो ओवर के हिताम पर 41 रन हो चुका है टीम स्पेतिया का। जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा अभी तक सिलसिला जारी है दोनों बल्लेबाजों अब्दुल कदीर और शहबाज अहमद की जानिब से। जी चौधरी तसव्वुर आजम तसव्वुर नंबरदार वेलकम आपको करते हैं जर्मन डे बॉल के इस प्लेटफॉर्म पे दो ओवर 41 रन तीसरा ओवर करने के लिए आए हैं प्रोफेसर वकास अकरम बहुत ही अच्छा और जबरदस्त बॉलिंग का आगाज किया वकास अकरम ने आउटसाइड द स्टंप बॉल के गुड लेंथ का इस्तेमाल किया बहुत अच्छा मिला और अपनी लेंथ के जरिए बीट करने में कामयाब हुए अब्दुल कदीर को। एक मरतबा फिर शॉर्ट पिच का इस्तेमाल यहाँ पे वकास अकरम की जानिब से बहुत जबरदस्त अच्छे तरीके से आगाज यहाँ पे तीसरे ओवर का वकास अकरम की जानिब से पहले दो ओवर काफी महंगे जरूर साबित हुए हैं लेकिन उसके बाद वकास अकरम तीसरे ओवर के लिए आए और अभी तक एक शानदार आगाज है वकास अकरम की जानिब से एक मरतबा फिर शॉर्ट पिच लेकिन इस मरतबा अब्दुल कदीर ने बॉल पर नजर रखी रीड किया बॉल की पिच को लेंथ को और खेल दिया शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर के ऊपर से गेंद को पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के पास 6 रन के लिए बहुत अच्छी बल्लेबाजी अभी तक दोनों बल्लेबाजों की तरफ से अब्दुल कदीर और शहबाज अहमद काफी अंडरस्टैंडिंग है दोनों के दरमियान काफी लंबी लंबी पार्टनरशिप भी बना चुके हैं काफी अच्छी क्रिकेट खेल चुके हैं दोनों एक साथ आउटसाइड द स्टंप बॉल
दोनों बल्लेबाजों के बारे में आपको बताता चलूं कि इनकी अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे इस टूर्नामेंट में इन्हें काम आ रही है, क्योंकि ये पाकिस्तान में भी एक ही गांव से तलक रखते हैं, जिला गुजरात के गांव चंडाला से इन दोनों का तलक है, तो अपने गांव की तरफ से भी काफी नुमाइंदगी कर चुके हैं एक साथ, तो उसी अंडरस्टैंडिंग को इस्तेमाल करते हुए उस चीज का फायदा उठाते हुए यहाँ पे लुब्रोनियों के साथ जमीन के एक तारीखी टूर्नामेंट के तारीखी फाइनल मैच में अच्छी बैटिंग वकास अकरम अच्छे ओवर का आगाज जरूर किया था, लेकिन पिछले दो गेंद पर थोड़ा सा मिस की हुए अपनी लाइन की वजह से, तो मुसलसल दो एक्स्ट्रा रन्स। वकास अकरम काफी अच्छे बॉलर हैं, बॉलिंग के साथ समझ बूझ काफी रखते हैं, बॉलिंग में बदलाव लाते हैं, काफी लाइन और लेंथ में काफी चेंजिंग करते हैं, तो इस चीज का इस्तेमाल उन्हें यहाँ करना होगा, क्योंकि अस्पेतिया का टीम टोटल काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ, तो इस चीज को ब्रेक लगाने की सलाहियत जरूर मौजूद है विकास अक्रम में, तो देखना होगा कि वो अपनी सलाहियतों को पूरा कर लाते हुए या आउटसाइड ऑफ स्टंप आउट थी पाता जरूर है, लेकिन थर्ड मैन रीजन पे वहां पे अली ने फील्ड किया, अली भाई अच्छी फील्ड की यहाँ पे थर्ड मैन बाउंड्री रीजन के एरिया पे, जब तक बॉल को फील्ड करके थ्रो करते दो रन मुकम्मल कर लिए थे दोनों बल्लेबाजों ने, तो इस तरह स्पेशिया के टीम टोटल में दो रन का मजीद इजाफा। तारीखी टूर्नामेंट का तारीखी फाइनल मैच जारी, देखने वाले व्यूअर्स से दरख्वास्त है कि वीडियो को तमाम लोग शेयर करते जाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस तारीखी टूर्नामेंट के फाइनल से मुस्तफीद हो सके। वकास अकरम बॉल अच्छी थी, लेंथ अच्छी थी, लेकिन उतने ही अच्छे तरीके से अब्दुल कदीर ने बॉल को रीड करते हुए लेंथ को पढ़ते हुए एक मर्तबा फिर मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के फील्डर के दरमियान में से बॉल को पहुंचा दिया बाउंड्री के पार 6 रन के लिए। जबरदस्त धुआंधार बल्लेबाजी जारी है अभी तक दोनों बल्लेबाजों के की तरफ से, लुब्रोनियों के पास फाइट बैक की सलाहियत जरूर मौजूद है, तो देखना होगा के कौन से मोमेंट का इस्तेमाल करती है गुजर क्रिकेट क्लब लुब्रोनियों। बॉल थी बहुत ही अच्छी बॉल थी, बॉल में कोई हामी नहीं थी, जबरदस्त बॉल थी, लेंथ बहुत अच्छी थी, शॉट बॉस बहुत अच्छा मिला था, लेकिन अब्दुल कदीर ने उतने ही अच्छे तरीके से शॉट को खेल दिया मिड विकेट और लेग साइड के फील्डर के दरमियान में से 6 रन के लिए, तो टीम टोटल है जनाब 3 ओवर के अख्ताम पर 63 रन। जर्मन टेबल छक्के लगे ना तीन पहले पहली ने दो त्रे डॉट अच्छी बैटिंग का अभी तक मुजाहरा दोनों बल्लेबाजों की जानिब से 3 ओवर के अख्ताम पर 63 रन। अगर देखा जाए तो गुजर क्रिकेट क्लब लुब्रोनियों को नुकसान उठाना पड़ा है, उनके मेन बॉलर जो है एहसान है उनकी इंजरी की वजह से काफी स्ट्रगल वो कर रहे हैं, तो फाइनल मैच में वो अपने आप को फिट नहीं रख पाए, उसकी इंजरी का यहाँ पे खुमियाजा भुगतना होगा गुजर क्रिकेट क्लब लुब्रोनियों को, लेकिन सुहेब के पास सलाहियत जरूर मौजूद है उनकी कमी को पूरा करने की। एक ओवर पिच मार थे, कैच उठवाने का चांस जरूर था, आई थिंक बम्पर जरूर था, लेकिन फाइनली विकेट कीपर आतफ की जानिब से एक आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया था, कैच शायद थोड़ा डाउटफुल था, बहरहाल गेंद पकड़ने में नाकाम रहे यहाँ पे, तो इस तरह एक रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को, स्ट्राइक अब दोबारा मिलेगा टीम कैप्टन अब्दुल कदीर को। सोहेबुल्ला काफी समझ रखते हैं, अच्छे बॉलर हैं, मैच्योर बॉलर हैं, इस टीम के खिलाफ भी काफी अच्छी बॉलिंग कर चुके हैं रिसेंटली इसी सीजन में, तो देखना होगा कि किस तरह की बॉलिंग करते हैं इस चौथे ओवर में। बहुत अच्छी बॉल यहाँ पे कैच आउट हो सकते हैं, गेंद काफी देर हवा में रही, सोहेबुल्ला ने बॉल के लिए जबरदस्त कैच, बहुत ही अच्छा कैच यहाँ पे सोहेबुल्ला की जानिब से, स्पीकर सही करिए जी, जबरदस्त कैच यहाँ पे सोहेबुल्ला की जानिब से, जितनी तारीफ की जाए कम है, जबरदस्त इम्प्रोवाइज करते हुए अपनी टीम के लिए फाइट बैक करते हुए गेंद काफी देर हवा से बातें करती रही, लेकिन सोहेबुल्ला ने अपने आप को नीचे मजबूत रखा, अपने माइंड को मजबूत रखा, गेंद पे नजर रखी और वन हैंडली जबरदस्त कैच पकड़कर अब्दुल कदीर के जबरदस्त इनिंग का अहात्मा करते हुए उन्हें वापस पवेलियन
जाना होगा अब्दुल कदीर है, जबरदस्त इनिंग खेल कर आउट होकर डग आउट में वापस जाते हुए। अब्दुल कदीर के आउट होने के बाद नए आने वाले बल्लेबाज इफ्तिहार बरसा। गोल्ड अंपायरिंग यहाँ पे अंपायर की जानिब से अंपायर का फैसला किया जनाब, क्रॉस नहीं हुआ था क्या किस्म में डबल क्रॉस था, तो जो स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज था उसकी जगह पे आने वाला नया बल्लेबाज उसी एंड से अपनी इनिंग का आगाज करेगा। तो स्टार बरसा स्ट्राइक एंड पे अब मौजूद है, बॉलिंग का सामना करेंगे सोहेबुल्ला की। सोहेबुल्ला ने अच्छा ब्रेक थ्रू दिलवाया यहाँ पे, ये एक मौका है गुजर क्रिकेट क्लब लुगरोनिया के पास है कम बैक करने का। अच्छी बॉल थी, आउटसाइड द स्टंप थी, उसे खेल दिया है लॉन्ग ऑन बाउंड्री के रीजन में इफ्तिहार बर्ड ने और एक रन हासिल किया अपनी टीम के लिए। तो एक्स्ट्रा स्ट्राइक अब मिलेगा दोबारा शहबाज अहमद को। चौथे ओवर की चौथी गेंद करेंगे सोहेबुल्ला शहबाज अहमद के खिलाफ। एक और टॉप एज जरूर हुई है लेकिन सेफली रहे, बाल काफी दूर थी फील्डर से, तो यहाँ पे टॉप एज की सूरत में एक और रन का इजाफा यहाँ पे अस्पेतिया के टोटल में। जबरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा यहाँ पे दोनों टीम्स की जानिब से। ये दोनों टीम्स है के बारे में अगर आपको बताता जाऊँ इस ओवर के इस गेंद के बाद, सॉरी अच्छा काम बैक यहाँ पे, अच्छी बॉल यहाँ पे सुहेब की जानिब से शॉर्ट पिच का इस्तेमाल करते हुए अपनी लेंथ से बीट किया यहाँ पे बैट्समैन इफ्तिहार भट्ट को। अच्छा काम बैक ओवर यहाँ पे सुहेबुल्ला की जानिब से। इसी चीज का मैं जिक्र कर रहा था कि इस लड़के में सलाहियत जरूर मौजूद है कि इस जबरदस्त परफॉर्मेंस को ब्रेक लगा सके, और आते ही उन्होंने ब्रेक थ्रू दिलवाया अपनी टीम को। एक ओवर पीछे बॉल पड़ी थी, लो फुल टॉस जरूर थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए इफ्तिहार भट्ट साहब, और मिस थ्रो की वजह से दो रन यहां पे मुकम्मल। तो अब स्ट्राइक मिलेगा लास्ट ओवर में शहबाज अहमद को। जी ये दोनों टीम प्रीवियसली इस सीजन के जो रिसेंटली टूर्नामेंट हुए हैं, तीन टूर्नामेंट हुए हैं, तो उन तीन में से दो टूर्नामेंट्स की ये दोनों टीम बिलतरतीब चैंपियंस हैं। तीसरे टूर्नामेंट की चैंपियन टीम थी टीम मैड्रिड 68 दो गाट 70। अच्छा ओवर यहाँ पे सोहेबुल्ला की जानिब से सिर्फ 7 रन के साथ एक जबरदस्त ओवर करते हुए, तो 4 ओवर के इख्तिताम पर 68 रन। लास्ट ओवर है जनाब दोनों टीम्स के लिए, तो ये एक इंतहाई अहम और अहमियत का हामिल ओवर है। देखना होगा दोनों टीम्स इस ओवर का इस्तेमाल किस हद तक कर पाती हैं और कितना फायदा उठा पाती हैं। तो ये दोनों टीम्स रिसेंटली दो टूर्नामेंट की दोनों डिफेंडिंग चैंपियन है। लुगरोनियो की टीम जो के चार ओवर में 68 रन जनाब अस्पेतिया की जानिब से, तो टीम कैप्टन लुगरोनियो की जानिब से पांचवें ओवर के लिए इंतखाब किया गया है बॉलर उमर का। उमर पांचवें ओवर का आगाज करेंगे अपनी टीम गुजर क्रिकेट क्लब लुगरोनियो को। तो देखना होगा कि काफी रन आ चुके हैं उनके अलावा, तो देखना होगा किस तरह की बॉलिंग करते हैं। बॉल अच्छी थी लेकिन रीड कर लिया था पहले ही गेंद पे शहबाज अहमद ने, आउटसाइड ऑफ स्टंप थी लेकिन टाइम काफी मिला था जिसकी वजह से क्रॉस खेल दिया मिड विकेट के फील्डर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाया गेंद को 6 रन के लिए शहबाज अहमद ने। पहली गेंद पे 6 रन से इस्तकबाल करते हुए शहबाज अहमद उमर का अच्छा कमबैक यहां पे उमर की जानिब से। आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल थी
काफी करीबी मामला था, लेकिन अंपायर की जानिब से लीगल लीगल डिलीवरी का इशारा। और शहबाज अली भाई साहब जनाब वेलकम वेलकम करते हैं आपको। सुशील सेठी साहब जनाब सॉरी जर्मन टेप ऑल क्रिकेट पेज पे कैच। उमर अपने अगले ओवर अपने ओवर की तीसरी गेंद करने आए थे, लेकिन मिडल स्टंप का उन्होंने इंतहाब किया, लेकिन नजर रखी थी शहबाज अहमद ने, लेंथ उन्हें अपनी मतलब के मिले और इसका भरपूर फायदा उठाते हुए मिड विकेट और लेफ्ट साइड के फील्डर के ऊपर से खेल दिया बुलंदो वाला ऊंचा छक्का 6 रन के लिए। गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाने में कामयाब रहे यहाँ पे शहबाज। उमर अपने ओवर की चौथी गेंद करेंगे, एक और शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी का इस्तेमाल यहाँ पे उमर की जानिब से, और अंपायर जनाब अदनान की जानिब से वन ऑफ द ओवर का वन की सूरत में इशारा। जी शुक्रिया जनाब सुशील सेठी साहब लगोनियों की सरजमीन पर यह तारीखी टूर्नामेंट का तारीखी फाइनल होता हुआ। लो फुटास जरूर मिली थी, फायदा उठाने की कोशिश जरूर की है बल्लेबाजों की जानिब से, थोड़ा सा माइंड का इस्तेमाल यहाँ पे करना चाहिए था लास्ट बॉल थी लेकिन मिस किया हुआ यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों की जानिब से, और स्ट्राइक मिला है लास्ट बॉल पे इफ्तिहार अहमद भट्ट साहब को। जी लुकमान बिल्ला साहब जनाब वेलकम आपको जर्मन टेप बॉल क्रिकेट पेज पे जहांगीर आसिफ की तरफ से खुश आमदीद। उमर अपने ओवर की और इनिंग का आखिरी गेंद करने जा रहे हैं इफ्तिहार भट्ट को। ओवर पिच बॉल थे, मिडिल स्टंप पे बॉल थे जिसे खेल दिया इफ्तिहार भट्ट ने लेग साइड की बाउंड्री में, और एक अच्छा गैप मिलता हुआ यहाँ पे इफ्तिहार भट्ट को लास्ट बॉल पे 4 रन हासिल करने में कामयाब इफ्तिहार अहमद भट्ट अपनी टीम स्पेशिया के लिए। जी तो इस तरह कुल मिलाकर 5 ओवर में 86 रन का टारगेट सेट किया गया है टीम स्पेशिया के लिए की तरफ से। जी सुशील सेठी साहब जनाब आपको आपका सलाम पहुंचाएगा इंशाल्लाह आती को। चौधरी शर्मा चुनाला साहब जनाब वेलकम आपको करते हैं जर्मन टेबल क्रिकेट पेज पे जहांगीर आसिफ की तरफ से। बहुत अच्छी बैटिंग का मुजहरा अस्पताल क्रिकेट की टीम की जानिब से, स्पेशली उनके दोनों ओपनिंग बल्लेबाज शहबाज अहमद और टीम कैप्टन अब्दुल कदीर की जानिब से जबरदस्त बैटिंग का आगाज किया गया। और 5 ओवर में 86 रन का टारगेट है गुजर क्रिकेट क्लब लगरोनियों के पास, ये रन टारगेट चेस करने की सलाहियत तो जरूर मौजूद है, अच्छे बल्लेबाज उनके पास मौजूद हैं, तो देखना होगा कि वो किस तरह की बैटिंग करते हैं ये रन चेस करने के लिए। तो इस मैच के बारे में कुछ भी कहना कबर इस वक्त होगा क्योंकि कुछ भी हो सकता है इस मैच में। गुजर क्रिकेट क्लब लगरोनियों के पास अच्छे नामवर बल्लेबाज मौजूद हैं जिनमें शेरी टीम कैप्टन बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, उनके साथ मलक अली भाई साहब शानदार बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं, इमरान अली बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर लेते हैं, और उनके साथ ऑलराउंडर प्लेयर सुहेब उल्ला जो के लोअर ऑर्डर में एक अच्छी बल्लेबाजी का उनके पास जरूर टैलेंट मौजूद है। तो देखना होगा कि किस तरह डिफेंड करती है स्पेशिया की यह टीम, 5 ओवर में 86 रन आपको डिफेंड करना है। जी मोहम्मद जासिम साहब जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। विकास है मेडल है ना थे हेलो। 5 ओवर में 86 रन का टारगेट है यार, मेहरबानी करो ऐदर हो जो सारे। चौधरी शाहनवाज चनाला साहब जनाब वेलकम। मेरे घर से नहीं करना चाहिए विस्की हेलो तारिक मेहरबानी करो पर फॉर इंतजार कर यार पीछा मत पीछा आ फिल्टर कर ले 15 डिस्टेंस बंदा मैं फिल्टर कर ले समझ ही नहीं और कर ले ना नेकी करो यार बंदे पीछा करो पूरा गेम से ओए यार यार मेहरबानी चल बॉल एनी पे ना ये यार भाई ये गोला थे जो कोई मसला नहीं
ਹਲੋ ਭਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸਲ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ उनके टीम कैप्टन है शेरी और उनका साथ देने के लिए इमरान अली ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए आ गए हैं जी मोहम्मद जासिम भाई साहब ऐसे ही है जी लगरोनियों के पास अच्छी बॉलिंग लाइनअप सॉरी बैटिंग लाइनअप मौजूद है तो कुछ भी हो सकता है कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा दोनों टीम्स के पास बड़े बड़े नामवर खिलाड़ी मौजूद हैं और अब्दुल कदीर की पहली गेंद पे खेल दिया है शेरी ने स्ट्रेट टू द अंपायर आगे पड़ी हुई बॉल को शेरी ने पहली गेंद पे 6 रन के लिए बाउंड्री के पार भेज दिया और जबरदस्त तरीके से आगाज यहाँ पे शेरी की जानिब से पहली गेंद पे 6 रन हासिल किया अपने लिए अपनी टीम टोटल के लिए जबरदस्त फाइनल का जबरदस्त आगाज दोनों टीम की जानिब से जबरदस्त परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी अब्दुल कदीर अपने ओवर की दूसरी गेंद करेंगे शेरी को शॉर्ट पिच बॉल का इस्तेमाल किया लेंथ को थोड़ा चेंज किया और शेरी ने खेल दिया लॉन्ग ऑफ की जानिब वहां पे फील्डर मौजूद थे इफ्तार पर साहब जिन्होंने बॉल को फील्ड करके थ्रो किया तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल कर लिया इस तरह स्ट्राइक अब मिलेगा इमरान अली को इमरान अली काफी मंझे हुए बल्लेबाज है अच्छी बैटिंग कर लेते हैं तो देखना होगा किस तरह की बैटिंग करते हैं यहाँ पे वो अब्दुल कदीर के खिलाफ पहले ओवर में ये मोहम्मद वहीद भाई साहब वेलकम जनाब आपको लेग अंपायर अदनान की जानिब से व्हाइट बॉल की जानिब की वजह से व्हाइट बॉल का सिग्नल अरे अरे कदीर अली अली नॉट इट वाज व्हाइट यार व्हाइट है भाई बिलाल ऊपर है जी मोहम्मद वहीद अब्दुल लतीफ भाई साहब वेलकम आपको अब्दुल कदीर अगली गेंद करेंगे अच्छी बॉल यहाँ पे कदीर की जानिब से पहले थोड़ी सी शॉर्ट पिच बॉल का इस्तेमाल किया लेकिन वाइड बॉल का सिग्नल हुआ उनके खिलाफ और अब लेंथ में बदलाव लाते हुए फुल लेंथ का इस्तेमाल किया और अपने फुल लेंथ के साथ बीट किया इमरान अली को अच्छा काम बैक यहाँ पे अब्दुल कदीर की जानिब से स्लोअर वन का इस्तेमाल करते हुए वेरिएशन का इस्तेमाल किया आउटसाइड द स्टंप बॉल और वेरिएशन के जरिए बीट करने में कामयाब हुए यहाँ पे अब्दुल कदीर जी चौधरी महदूम गुजर साहब वेलकम करते हैं आपको जर्मन टेप बॉल क्रिकेट पेज पे अच्छी बॉल यहाँ पे आउटसाइड द स्टंप बॉल थी जो कि पढ़ के थोड़ा सा अंदर को आई इमरान अली अच्छी तरह रीड नहीं कर पाए लेकिन शॉट खेल दिया मिड विकेट की जानिब वहां पे फील्डर थे सज्जाद जिन्होंने बॉल को फील्ड करके थ्रो किया तब तक 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने हासिल किया और अब पहले ओवर की लास्ट गेंद पे स्ट्राइक मिला है जनाब टीम कैप्टन शेरी को तो शेरी देखना होगा कि किस तरह पहले ओवर का इख्तिताम करते हैं अच्छे पास लाए तो बल्लेबाज हैं आगे पड़ी हुई बॉल को खेलना चाहते थे लेकिन बॉल लीडिंग एज की सूरत में चली गई है लेग साइड की जानिब और 1 रन का इजाफा यहां पे पहले ओवर के स्टंप पे 10 रन अच्छा खेल का मुजाहरा अभी तक दोनों टीम्स की जानिब से पहले ओवर में 10 रन आ चुका है गुजर क्रिकेट क्लब लगरोनियों का 5-6 रन से रिक्वायर एवरेज से जरूर कम है लेकिन उनके पास सलाहियत जरूर मौजूद है कि वो इस चीज को कवर जरूर कर सकते हैं तो देखना होगा कि किस तरह की बैटिंग करते हैं टीम कैप्टन शेरी और उनका साथ दे रहे हैं इमरान अली शहबाज अहमद आए हैं दूसरा ओवर करने के लिए टीम अस्पेतिया की जानिब से शहबाज अब दूसरे ओवर की पहली गेंद करेंगे शेरी को शेरी
अच्छी लंच मिली यहाँ पे, स्लो वन का इस्तेमाल किया शहबाज ने, लेकिन शेरी ने लास्ट टाइम का बॉल को रिड किया और गेंद को पहुंचा दिया लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के फील्डर के ऊपर से बाउंड्री के पार 6 रन के लिए। अच्छी बैटिंग यहाँ पे शेरी की जानिब से, अच्छी शॉट यहाँ पे एक मरतबा फिर शेरी की जानिब से कैच आउट हो सकते हैं। अच्छी कोशिश है बाउंड्री लाइन के ऊपर यहाँ पे मुनीब की जानिब से, कोशिश जरूर की गई थी मुनीब की जानिब से लेकिन नाकाम रहे और एक कैच ड्रॉप सूरत की सूरत में 6 रन मिलता हुआ शेरी को। दो तो लागिया ने दो लेकिन उसके बाद अच्छा काम बैक यहाँ पे शहबाज अहमद की जानिब से आउट साइड था, उस टाइम बॉल डॉट करने में कामयाब हुए शेरी के खिलाफ। एक और फुल टॉस बॉल मिली यहाँ पे लेकिन अंपायर की जानिब से नो बॉल का इशारा, फुल टॉस बॉल गई थी लेकिन अंपायर की जानिब से नो बॉल का इशारा। चौधरी तू ना बोलिया कर यार, जिसे नो दे दे फिर पहले ना तू बोल। मुने वेट करके पुत्र वेट करके, प्रीटा बाबा 3 प्रीटा पुत्र वेट कर। शहबाज अपने ओवर की अगली गेंद दोबारा करेंगे, फ्री हिट यहाँ पे मिली है शेरी को। अच्छा इस्तेमाल यहाँ पे फ्री हिट की सूरत में, अच्छी बार यहाँ पे शहबाज की जानिब से, अच्छे खेल का मुजाहरा दोनों टीम्स की जानिब से। शहबाज अहमद अपने ओवर की अगली गेंद करेंगे शेरी को। दूसरे ओवर की 5वीं गेंद करेंगे शहबाज अहमद शेरी को। काफी देर हवा में रही अब्दुल कदीर है गेंद के नीचे और जबरदस्त कैच यहाँ पे अब्दुल कदीर की जानिब से, कैच मुश्किल जरूर था लेकिन कदीर ने अपने आप को यहाँ पे बरकरार रखा, गेंद पे नजर रखी और एक अच्छे विकेट लेने में कामयाब हुए यहाँ पे टीम अस्पतिया। टीम कैप्टन ने शेरी आउट होकर पवेलियन वापस और अब लास्ट बॉल है ये और अब उनकी जगह इनिंग को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं अली। पहला ब्रेक थ्रू मिलता हुआ यहाँ पे टीम अस्पतिया को, बहुत ही जबरदस्त कांटेदार मुकाबला जारी यहाँ पे, हिस्टोरिकल टूर्नामेंट का हिस्टोरिकल फाइनल यहाँ पे होता हुआ लगवानियों की सरजमीन पे। शहबाज अहमद अपने ओवर की आखिरी गेंद करेंगे अली को। अच्छी बात यहाँ पे लेकिन उतने ही अच्छे तरीके से खेल दिया अली ने मिड विकेट एरिया में 6 रन के लिए। दो ओवर के अख्ताम पे 31 रन जी। कोई स्कोर नहीं रह गया। अच्छी बैटिंग का आज यहाँ पे टीम लगरोनियों की जानिब से। करना कि नहीं 86 करना है 55 रन है इतना रन बोलना ठीक नहीं। हेलो जा रो जा एनजीआई लॉबी कोरा में लग गया। दो ओवर के अहतमाम पे 31 रन्स है। बहुत अच्छी बैटिंग का मजा रहा जनाब यहाँ पे गुजर क्रिकेट क्लब लगरोनियों की जानिब से भी।
उनके टीम कैप्टन शेरी ने अच्छी बुनियाद रखी और अब उस चीज को आगे लेके बढ़ाते हुए जनाब अली और इमरान अली चौधरी महदूम गुजर साहब जनाब वेलकम करते हैं आपको। तीन ओवर में तकरीबन 55 रन मजीद दरकार हैं, सलाहियत जरूर मौजूद है लगरोनियों के बल्लेबाजों में ये मैच जीतने की और ये टारगेट चेस करने की। देखना होगा यहाँ पे किस तरह की बैटिंग करते हैं दोनों बल्लेबाज। सज्जाद आए हैं जनाब अस्पतिया की जानिब से तीसरा ओवर करने के लिए। चौधरी अली उस्मान साहब जनाब वेलकम आपको। बहुत अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया यहाँ पे लगरोनियों की जानिब से। सज्जाद तीसरे ओवर की पहली गेंद करेंगे अली इमरान को, शॉर्ट पिच का इस्तेमाल और लॉन्ग ऑन पे खेल दिया, वहां पे फील्डर थे मौजूद अब्दुल कदीर और बॉल को फील्ड करके थ्रो किया, तब तक एक रन हासिल कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। तो स्ट्राइक अब मिला है इनफॉर्म बल्लेबाज अली को। सज्जाद अपने ओवर की दूसरी गेंद करेंगे अली को, शॉर्ट पिच का इस्तेमाल, यहाँ पे मौका जरूर है और कैच कर लिया टीम कैप्टन मोहम्मद बिलाल की तरफ से, एक अच्छा कैच और इस तरह अली की इनिंग का खात्मा हुआ और सज्जाद को मिला एक अच्छा ब्रेक थ्रू, अच्छा कम बैक यहाँ पे अस्पतिया की जानिब से। जबरदस्त जनाब अली के उड़ने के बाद लोअर ऑर्डर के तगड़े बल्लेबाज जबरदस्त ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के इस सीजन के खिलाड़ी जो के मोहम्मद सोहेबुल्ला आ चुके हैं विकेट पे मौजूद। अली के आउट होने के बाद अभी भी गुजर क्रिकेट क्लब लगरोनियों के पास लंबी बैटिंग लाइन अप मौजूद है। अच्छी शॉट यहां पे सज्जाद की जानिब से, शॉट की जरूरत की थी लेकिन रीड किया बैट्समैन इमरान अली ने, लास्ट टाइम तक बॉल पे नजर रखी और गेम को पहुंचा दिया मिड विकेट एरिया पे 6 रन के लिए। सज्जाद अपने ओवर की अगली गेंद करेंगे इमरान अली को, आगे पड़ी हुई बॉल को खेल दिया लेग साइड पे, वहां पे फील्डर है मौजूद शहबाज अहमद, बॉल को फील्ड करके थ्रो किया दूसरे रन के लिए फील्डिंग करना पड़ेगी। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों की तरफ से, बहुत ही बढ़िया मैच यहां पे होता हुआ लगरोनियों की साथ जमीन पे। हुसनैन मुर्तजा साहब जनाब वेलकम करते हैं आपको जर्मन टेप बॉल के पेज पे। दो सज्जाद अपने ओवर की पांचवी गेंद करेंगे, उनका सामना करने के लिए तैयार है इमरान। अच्छी बात है, फुल अंक पे बात करना चाह रहे थे, लो बॉल फुल टॉस जरूर मिली यहाँ पे लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए इमरान। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद का सामना करने के लिए आ गए हैं लगरोनियों के जानिब से हार्ड हिटर ऑलराउंडर बल्लेबाज सोहेबुल्ला, सामना करेंगे सज्जाद के तीसरे ओवर की आखिरी गेंद का। अच्छी बॉल यहाँ पे सज्जाद की जानिब से लेकर लाइन को मिस किया और अंपायर की जानिब से वाइड बॉल का सिग्नल। सज्जाद अपने ओवर की आखिरी गेंद दोबारा करेंगे, पेस जनरेट करने की कोशिश की जा रही है जनाब सज्जाद की जानिब से लेकिन लाइन पे काबू नहीं रख पाए और एक और वाइड बॉल ये के बाद दिख रहे दो मुसलसल वाइड बॉल करते हुए यहाँ पे सज्जाद। ये बॉल दोनों टीम्स के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है, तो देखना होगा कि दोनों टीम्स किस तरह इस बॉल का इस्तेमाल कर दिया है। सज्जाद एक मरतबा फिर आखिरी गेंद करने के लिए तैयार, अच्छी बॉल यहाँ पे ओवर पिच बॉल फुल लेंथ बॉल थे और अपनी पेस से बीट करने में कामयाब रहे यहाँ पे सज्जाद सोहेबुल्ला के खिलाफ। अच्छा ओवर यहाँ पे एक छक्का जरूर कंसीड हुआ था इनके खिलाफ सज्जाद के खिलाफ लेकिन उसके बाद अच्छा काम बैक। तीन ओवर के स्थान पर 43 रन तीन ओवर के स्थान पर और दो ओवर में 43 रन मजीद दरकार है
टीम गुज्जर क्रिकेट क्लब है लगरानिया को आई है मैच जीतने के लिए। अस्पेतिया की जानिब से उनके लेफ्ट आर्म पे सर मोहम्मद इरफान का इंतजाम किया गया है चौथे ओवर के लिए। वो अब बॉलिंग करेंगे सेट बैट्समैन ओपनिंग बल्लेबाज है इमरान अली के खिलाफ। दो ओवर में मैच जीतने के लिए लगरौनियों को मजीद 43 रन दरकार है। अच्छी बैटिंग का मुजहरा किया गया था जनाब अस्पेतिया की जानिब से। एक पांच ओवर में 85 रन का टोटल यहां पे सेट किया गया था। उसके बाद अच्छी बैटिंग की गई थी गुज्जर क्रिकेट क्लब लगरौनिया की जानिब के टॉप बल्लेबाजों के बाद की तरफ से। और अब कुल मिलाकर दो ओवर में 43 रन से मजीद दरकार है ये मैच फिनिश करने के लिए लगरौनिया को। अच्छी शॉट यहां पे मोहम्मद इरफान की पहले गेंद पे इमरान अली ने गेंद को भेज दिया है मिड विकेट बाउंड्री के पास 6 रन के लिए। बॉल बहुत अच्छी थी लेकिन उतने ही अच्छे तरीके से खेलते हुए इमरान अली बहुत अच्छी थी इमरान अली की बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए यहाँ पे इमरान अली। एक अच्छी शॉट यहाँ पे यके बाद देख रहे दो छक्के रसीद करते हुए यहाँ पे इमरान अली मोहम्मद इरफान के खिलाफ। इमरान बढ़ता हुआ 55 रन। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी दोनों टीम्स की जानिब से। अच्छी बॉल यहाँ पे बॉल करने की कोशिश की लेकिन अंपायर की जानिब से व्हाइट बॉल का सिग्नल। इरफान गेंद किसकी गेंद करेंगे चौथे ओवर की इमरान अहम के सामने तो देखना होगा कि किस तरह की बॉलिंग करते हैं इरफान। मोहम्मद इरफान और अंपायर की जानिब से नो बॉल का इशारा। लेंथ में काबू नहीं रख पा रहा इरफान। एक नो बॉल की सूरत में दो रन मिलता हुआ यहाँ पे इमरान अली को मोहम्मद इरफान के खिलाफ। शाबाश भाई इमरान वेरी गुड। फ्री हिट मिली है यहाँ पे इमरान अली को। देखना होगा कि किस हद तक फायदा उठा पाते हैं। यहाँ पे इमरान अली की जानिब से तीन गेंदों पर तीन छक्के रसीद करते हुए यहाँ पे तीन बालों पे तीन छक्के रसीद करते हुए यहाँ पे इमरान अली। धुआंधार बल्लेबाजी का मुजाहरा यहाँ पे लगरौनियों की जानिब। जनाब चौथे ओवर की तीन गेंदों मुकम्मल नौ गेंदों पर 21 रन से मजीद दरकार है। अच्छी बॉल यहाँ पे मोहम्मद इरफान की जानिब से मिडिल स्टंप पर पड़ी हुई बॉल को
बीट करने में कामयाब हुए, लेकिन एक कैच की सूरत में दो रन मिलता हुआ यहाँ पे इमरान अली को। मोहम्मद इरफान अपने ओवर की पांचवी गेंद करेंगे। दो दो अच्छा काम बैक यहाँ पे इमरान की जानी से। दो बला, दो, दो। उन्नीस रन दरकार है मैच जीतने के लिए गुजर क्रिकेट क्लब लोग्रोनिया को। मोहम्मद इरफान अपने ओवर की पांचवी गेंद करेंगे इमरान अली के खिलाफ। इमरान की जानिब से फाइन लाइन पे बॉल को फील करके थ्रो किया और एक रन का मजीद इजाफा यहाँ पे। सात गेंदों पर 18 रन मजीद दरकार है। सात गेंदों पर 18 रन, ये बॉल बहुत इम्पोर्टेंट है जनाब दोनों टीम्स के लिए। अच्छी बॉल यहाँ पे इरफान की जानिब से और इतनी ही अच्छी फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू में। बहुत अच्छी बॉलिंग यहाँ पे जनाब। अच्छा काम बैक करते हुए यहाँ पे इरफान पहले तीन गेंदों पे तीन छक्के उनके ओवर में जरूर आ चुके थे। उसके बाद अच्छा काम बैक करते हुए मोहम्मद इरफान 6 गेंदों पर 17 रन। हिस्टोरिकल टूर्नामेंट का हिस्टोरिकल फाइनल अपने हिस्टोरिकल मोमेंट पे सनसनी हेज मराहल में यह फाइनल था है। मोहम्मद सज्जाद का इंतहा किया गया है जनाब टीम कैप्टन की जानिब से, टीम कैप्टन अस्पेकिया की जानिब से लाया गया है बॉलिंग के लिए मोहम्मद सज्जाद लेफ्ट आर्म बॉलर को। आखिरी ओवर में 17 रन सेव करने हैं। सामने है हार हिटर बल्लेबाज सुहेल बुल्ला, तो देखना होगा कि किस तरह की बॉलिंग का मुजाहरा करते हैं यहाँ पे सज्जाद और उनके खिलाफ सुहेल बुल्ला किस तरह की बैटिंग करते हैं अपनी टीम गुजर क्रिकेट क्लब लोग्रोनिया के लिए। जबरदस्त क्रिकेट होती है यहाँ पे लोग्रोनिया के सरजमीन पर। सज्जाद पहली गेंद करेंगे सुहेब को। एक्स्ट्रा पेस जनरेट करने की कोशिश की गई सज्जाद की जानिब से, लेंथ अच्छी को टारगेट करने की कोशिश की लेकिन लाइन पे काबू नहीं रखा और वाइड बॉल की सूरत में एक रन मिलता हुआ यहाँ पे गुजर क्रिकेट क्लब लोग्रोनिया। बहुत ही अच्छा मैच यहाँ पे होता हुआ, अच्छी क्रिकेट होती है यहाँ पे दोनों टीम्स की जानिब से जबरदस्त खेल का मुजाहरा। अच्छी गेंद थी यहाँ पे लेकिन अनलकी रहे, लाइन को थोड़ा सा मिस किया लेग स्टंप पे अंपायर की जानिब से वाइड बॉल का सिग्नल। छह गेंदों पर 15 रन मैच जीतने के लिए गुजर क्रिकेट क्लब लोग्रोनिया को। शाबाश
कितनी अच्छे तरीके से खेल दी शॉट 6 रन के लिए। माथे ने पीछे डिगी बॉल नहीं छोड़ा। हेलो हेलो बॉल बार 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 पांच गेंदों पर 9 रन से जनाब दरकार है यहाँ पे मैच जीतने के लिए गुज्जर क्रिकेट क्लब लगरौनियों को। पांच गेंदों पर 9 रन से जनाब दरकार है मैच जीतने के लिए लगरौनियों को। बॉलिंग पे है सज्जाद। ओए शाबा 6-6 इतने वाइड भी करांदा जी यहाँ पे कैच आउट हो सकता है मोहम्मद उमर के हाथों आउट हो कर रहा है कोहली ने वापस यहाँ पे सोहेब उल्ला अच्छे विकेट हासिल किया यहाँ पे मोहम्मद सज्जाद ने। 4-9 शाबाश 4-9 क्रिकेट ऑन एट पेस क्रिकेट फुल अपने पेक पे यहाँ पे 4 गेंदों पर 9 रन मजीद दरकार है मैच जीतने के लिए गुजर क्रिकेट क्लब लखनऊ को। जबकि बॉल डिफेंड करना होंगे सिर्फ 2-3 मोहम्मद सज्जाद की तरफ से। इमरान अली सेट बल्लेबाज विकेट पे मौजूद है ओपनिंग बल्लेबाज है तो यहाँ पे अब तमाम जिम्मेदारी इमरान पे। 3 गेंदों पर 4 गेंदों पर 9 रन से जनाब यहाँ पे दरकार है सज्जाद है बॉलिंग पे मौजूद और बल्लेबाजी कर रहे हैं इमरान अली। शाबा शाबा वाइट ठीक है 6 अच्छी बॉल यहाँ पे क्या कर सकते हैं और एक रन मुकम्मल कर लिया यहाँ पे रन आउट हो गए हैं दूसरे रन पे यहाँ ठीक है ठीक है शाबा शाबा इमरान बहुत और निकल गया यार इमरान अली सात बैट्समैन 6 रन आउट हो चुके हैं अंपायर के जाने से फैसला अच्छा डिसीजन यहाँ पे दोनों अंपायर की जानिब से यार तुर तू बाल लागी रही है तो ताम बंदा नौ रन चाहिए था 4 गेंदों पर 1 रन बनने की सूरत में अब 3 गेंदों पर 8 रन मुझे दरकार है जी 3-8 है 3-8 अच्छे क्रिकेट यहाँ पे दोनों टीम्स की जानिब से 3 गेंदों पर 8 रन मुझे दरकार है मैच जीतने के लिए 3 लगरौनियों में। आठ रन जी 8 रन दरकार है 7 से मैच लेवल होगा और 8 रन मैच जीतने के लिए अच्छी बात लेकिन यहाँ पे लाइन पर मिस किया सज्जाद की जानिब से 1 ओवर एक्स्ट्रा बॉल एक्स्ट्रा बॉल 6 बराबर है 3-6 बराबर है
मैच जीतने के लिए गुजर क्रिकेट क्लब लोगरानिया को बहुत अच्छा मैच होता हुआ यहाँ पे शाबाश फिर वाइड जे सज्जाद ने काम पे सर कैच और हो सकते थे यहाँ पे और एक आसान सा कैच ड्राइव यहाँ पे बिलाल की जानिब से दो गेंदों पर छह रन चाहिए मैच जीतने के लिए पांच रन से यह मैच टाई हो जाएगा चौधरी अच्छा कम बैक यहाँ पे सज्जाद की जानिब से उतने ही अच्छे क्रिकेट गुजर क्रिकेट क्लब लोगरानिया की जानिब से दोनों टीम की जानिब से जबरदस्त खेल का मजा रहा यहाँ पे इस तारीखी फाइनल मैच में दो गेंदों पर छह रन मजीद दरकार है मैच जीतने के लिए लेकिन अंपायर की जानिब से नो बॉल सिग्नल फ्री हिट मिल गया यहाँ पे चौधरी मैच जीतने के लिए पांच रन दरकार है पीछे रहन दो फील्डर वो दूर है उधर सारा गैप खाली पे कर दियो हेलो हेलो लाल इधर बॉल नहीं जाती इधर बॉल टिक जाती है इधर नहीं लगता बॉल बाला फुल मारता है पिया बहुत बड़ा रिस्क है बाला फुल मारता है फुल दो गेंदों पर पांच रन फ्री हिट है यहाँ पे हाथी के पास जबरदस्त मैच होता हुआ यहाँ पे दो गेंदों पर पांच रन अच्छी बार यहाँ पे खेल दिया इलेक्शन पे एक रन मिला यहाँ पे दूसरे रन के लिए थोड़ा जल्दी करना होगी रन आउट हो गया जी आती अच्छी रनिंग मिला लेकिन एक बार पे तीन रन चाहिए मैच जीतने के लिए एक बार पे तीन रन चाहिए मैच जीतने के लिए दो से यह मैच टाई हो जाएगा तीन रन चाहिए मैच जीतने के लिए दो रन से यह मैच टाई हो जाएगा जी चारी वो रनिंग ना उन्होंने समझा सर ना थोड़ा सा गेंद देख देख के निकलना जिस साइड से एंड देना वो बंदा ना निकले शहरी अदनान पीछे आ जाओ एक गेंद पर तीन रन से जनाब दरकार है यहाँ पे बॉलर है सज्जाद तमाम तार जिम्मेदारी उमर और सज्जाद पे यहाँ पे सज्जाद आरिफ गेंद करेंगे दस लाख रन गेंद करने जा रहे हैं सज्जाद जबरदस्त शॉट यहाँ पे खेल दिया है दूसरे रन के लिए जल्दी करना होगी रन आउट हो सकते हैं मैच टाई जी जबरदस्त खेल का सिलसिला दोनों टीम्स की जानिब से जबरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया गया मैच टाई हो गया जी तारीखी मैच तारीखी परफॉर्मेंस यहाँ पे दोनों टीम्स की जानिब से और जबरदस्त परफॉर्मेंस बल्लेबाज और गेंदबाज की जानिब से मैच टाई हो गया जी अब होगा सुपर ओवर बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के दरमियान बहुत अच्छे समझ बूझ का इस्तेमाल करते हुए ऑन स्ट्राइक पे मौजूद बल्लेबाज हल्के हाथों से खेलकर शॉर्ट कवर पॉइंट पे दो रन के लिए दौड़े और कामयाब दो रन अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए मैच का फैसला अब सुपर ओवर पे होगा जी
इंतजामिया की जानिब से जनाब ऐलान किया गया कि सुपर ओवर पर यह इस फाइनल का फैसला होगा। यार पीछा उड़ो जो पीछे हो जो पर कवर होते हो जो की कवर है स्कोर ते मैं बैट लैके आना सारे होने साइड से बॉल कराउ पता नहीं सजा दी मेरे हाथ सुपर ओवर में जनाब दोनों टीम्स की जानिब से तीन बल्लेबाज खेलेंगे। दो खिलाड़ी आउट होने के बाद की वजह से जनाब इनिंग का खात्मा हो जाएगा बैटिंग वाली साइड का। तो मेंशन करना आई थिंक जरूरी है या नहीं, ये दोनों टीम्स के दरमियान अंडरस्टैंडिंग की बात है कि कौन कौन से बल्लेबाज बैटिंग करेंगे सुपर ओवर में। शुरू करो यार। सज्जाद सुपर ओवर की पहली गेंद करेंगे, उनका सामना करने के लिए तैयार शेरी। अच्छी बॉल यहाँ पे, शाबाश शाबाश, बीट बॉल ही करनी शाबाश, गुड रनिंग इसे तरह। अच्छी बॉल यहाँ पे आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल थी, एक रन हासिल कर लिया शेरी ने। शाबाश बीट बॉल ना आवे, शाबाश भाई इमरान। सज्जाद दूसरी गेंद करेंगे इमरान अली को। इमरान अली की जानिब से और इतनी अच्छी फील्डिंग यहाँ पे बाउंड्री लाइन के ऊपर मौजूद मिर्जा एजाज बेग की जानिब से बहुत अच्छी शानदार फील्डिंग का नजारा, यकीनी चौका अपनी टीम के लिए यहाँ पे रोकते हुए। दो गेंदों पर तीन रन आ चुका है जी। अच्छी बॉलिंग यहाँ पे सज्जाद की जानिब से, जबरदस्त कमबैक। जबरदस्त कमबैक यहाँ पे सज्जाद की जानिब से। सुपर ओवर तो बहुत अच्छी बॉल यहाँ पे सज्जाद की जानिब से।
इंतहाई लोस फील्ड का मुजाहरा यहाँ पे इंतहाई लोस फील्ड का मुजाहरा यहाँ पे उसके लग पे मौजूद फील्डर जिब्रान दो स्कोर आई दो स्कोर चार गेंदों पर पांच रन आ चुका है जी गुजर क्रिकेट क्लब के लोगरोनिया के अकाउंट में लास्ट विकेट है जी पांच होगा टोटल जबरदस्त जनाब एंडिंग होती हुई जबरदस्त टूर्नामेंट की जबरदस्त फाइनल मैच के यहाँ पे 86 रन का टारगेट दिया गया था अस्कोतिया की जानिब से जो कि बड़ा टारगेट था उसका पीछा किया गुजर क्रिकेट क्लब लुग्रोनिया ने बहुत जबरदस्त बैटिंग करते हुए सुपर ओवर का बात आन पहुंची है सज्जाद अपने ओवर की पांचवी गेंद करेंगे उनका सामना करेंगे शेरी अच्छी बार यहाँ पे सज्जाद की जानिब से इंतहाई जबरदस्त शॉट जबरदस्त बॉल यहाँ पे गुड लक से उछाल हासिल किया यहाँ पे सज्जाद ने और बॉल डार्ट करने में कामयाब हुए यहाँ पे ये बॉल जनाब इंतहाई फैसला कुन है दोनों टीम्स के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट बॉल है ये अच्छी बॉल यहाँ पे जो हाई हो गए हैं और अच्छा ओवर यहाँ पे सुपर ओवर किया सज्जाद ने बहुत ही शानदार बॉलिंग का मजारा यहाँ पे सज्जाद की जानिब से मैच जीतने के लिए जनाब 6 रन का टारगेट सेट किया गया गुजर क्रिकेट क्लब लोगरोनिया की जानिब से बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस का मजारा यहाँ पे सज्जाद की जानिब से पहले 18 रन से डिफेंड करने आए थे तो इंतहाई जबरदस्त तरीके से बॉलिंग की सेट बल्लेबाज मौजूद थे विकेट पे उनके खिलाफ और मैच हो गया टाई फील्डिंग की वजह से थोड़ी सी मिस फील्ड जरूर हुई थी अस्पताल की जानिब से जिसका भरपूर फायदा उठाते हुए रनिंग बिटवीन द विकेट करते हुए लोग्रोनियो के बल्लेबाजों ने मैच का स्कोर किया लेवल और बात आन पहुंची है सुपर ओवर पे और सुपर ओवर पे जनाब बहुत अच्छी अभी तक आवाज हुआ है अस्पताल की जानिब से सज्जाद लेफ्ट आर्म पेसर ने बहुत तारीखी ओवर किया है सिर्फ 5 रन दिए इंतहाई अहम और इम्पोर्टेंट सुपर ओवर में तो अब मैच जीतने के लिए गुजर सॉरी अस्पताल क्रिकेट क्लब को सिर्फ 6 रन दरकार है 6 गेंदों पर उनके पास 3 बल्लेबाज मौजूद है कोई हाथ ज्यादा हिटिंग करने की जरूरत नहीं है प्ले डाउन करते जाए रन आपको मिलते जाएंगे 6 गेंदों पर 6 रन लोग्रोनियों की जानिब से उनके इंतहाई शानदार और अहम और मेन बॉलर सुहेब उल्ला सुपर ओवर की जिम्मेदारी निभाएंगे जी 3 बल्लेबाज बैटिंग करेंगे अगर 2 आउट हो जाते हैं तो आपकी इनिंग का आत्मा हो जाएगा जी बिल्कुल टीम कैप्टन अब्दुल कदीर और उनका साथ देने के लिए शहबाज अहमद इनफॉर्म बल्लेबाज दोनों आ रहे हैं विकेट पे 5 गेंदों पर सॉरी 6 गेंदों पर सिर्फ 6 रन दरकार है ये तारीफ था अपने नाम करने के लिए अस्पताल क्रिकेट को तो 2 विकेट है उनके पास देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं ये दोनों बल्लेबाज क्योंकि ज्यादा हिटिंग की भी जरूरत नहीं है अगर प्लेट भी आप करते जाएं तो रन आपको मिलते जाएंगे रन को ज्यादा नहीं करना सिर्फ 6 गेंदों पर 6 रन आपको दरकार है तो देखना होगा किस तरह की बैटिंग करते हैं ये दोनों बल्लेबाज इंतहाई जबरदस्त बॉलर सुहेब उल्ला के खिलाफ सुहेब उल्ला सुपर ओवर की पहली गेंद करेंगे लोग्रोनियो की जानिब से इनका सामना करने के लिए तैयार है राइट आर्म बल्लेबाज सॉरी राइट हैंड बल्लेबाज शहबाज अहमद 6 गेंदों पर 6 रन दरकार है हाई वोल्टेज मुकाबला है प्रेशर गेम है दोनों टीम्स के ऊपर जबरदस्त प्रेशर है सुहेब उल्ला
गेंद करेंगे शहबाज अहमद को, छह गेंदों पर छह रन। कैच का चांस जरूर था यहाँ पे, एक रन बाद मुकम्मल किया, दूसरे रन के लिए भी थोड़ा जल्दी करना होगी। चौधरी सीधा थंच कैच आउट दे दे, एक आसान सा कैच ड्रॉप हुआ यहाँ पे विकेट कीपर आतिफ की जानिब से। पांच गेंदों पर चार रन, मजीद दरकार है जी ये मैच जीतने के लिए। चौधरी आवेद आवेद फिर आवेद सोहेब बोला, दूसरी गेंद करेंगे शहबाज अहमद को, शॉर्ट पिच बॉल है, हाइट काफी थी लेकिन अंपायर की जानिब से सिर्फ वन तक महदूद रखा गया। चौधरी वन ऑफ द ओवर, चौधरी उतरते आ गई है, गेंद हवा में जरूर है, कैच आउट हो सकते हैं यहाँ पे, चांस जरूर है, अच्छा कैच यहाँ पे, एक जबरदस्त विकेट हासिल करने में कामयाब हुए यहाँ पे सोहेब। इस चीज की जरूरत नहीं थी, कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ चार रन आपके पास थे पांच गेंदों पर, गलती की यहाँ पे शहबाज अहमद ने और इस चीज का भरपूर फायदा उठाते हुए टीम गुजर क्रिकेट क्लब लोग्रोनिया। लास्ट विकेट है जी, अब चार गेंदों पर चार रन चाहिए, एक विकेट शाबा, वेरी गुड यार। भाई आखिरी विकेट क्या करी, और आते आप से लो फील्डिंग लो शाबा, के कितने गेंद हैं, दो गेंद हैं, तीन दो ही हैं, तीन दो ही हैं, पहली आज जो ये दूसरी है नहीं, एक जड़ी आठ दी गई, हाँ तीन गेंदों पर चार रन। दो गेंदों पर चार रन मजीद दरकार हैं जी यह मैच जीतने के लिए, इंतहाई जबरदस्त बॉलिंग का मजारा है यहाँ पे सोहेब उल्लाह की जानिब से, दो बल्ला चार स्कोर, दो गेंदों पर चार रन जी। चौधरी ध्यान नाल, दो गेंदों पर चार रन जी, अच्छी टीम कैप्टन अब्दुल कदीर की जानिब से इंतहाई जबरदस्त शॉट, और ये तारीफ था अपने नाम करते हुए स्पेंथिया के लिए, जबरदस्त परफॉर्मेंस स्पेंथिया के लिए, तारीफ था स्पेंथिया के नाम, और ये टाइटल जीत लिया है जी टीम स्पेंथिया और स्पेंथिया ने, जबरदस्त एक तारीफ है जी, तारीफ था अपने नाम करते हुए टीम स्पेंथिया 11।